रूस यूक्रेन का युद्ध दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है और जैसे जैसे युद्धग्रस्त यूक्रेन में स्थिति बद से बदतर हो रही है, संघर्ष वाले शहरों में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने में मुश्किल हो रही है। और यही कारण है कि इस युद्ध में मंगलवार को भारत के एक बेटे की गोलीबारी में मृत्यु भी हो गई। नवीन ज्ञान गोदन MBBS चौथे वर्ष के स्टूडेंट नवीन खाना खाने के लिए निकले थे और फिर वो लौटे ही नहीं। यूक्रेन के खारकीव में रूसी हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी और जब से ये खबर सामने आई है, नवीन के पूरे गांव में मातम का माहौल है। हर किसी की आंखें नम है और किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। और दूसरे अभिभावक जिनके छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, इस घटना के बाद वे और भी डर गए हैं। इन सभी अभिभावकों का कहना है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस लाया जाए, स्थिति बेहद गंभीर है। दो दिनों पहले ही नवीन ने अपने पिता से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी, जिसका वीडियो सामने आया है। नवीन के पिता ने बातचीत के दौरान बेटे से कहा था कि अपना ध्यान रखो। उन्होंने बेटे से कहा था कि उन्हें लाने के लिए भारतीय एम्बेसी की ओर से कोशिशें जारी हैं। इस दुखदायी खबर के बाद पीएम मोदी ने नवीन के पिता से फोन पर बात कर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। नवीन के परिवार वालों की अब एक ही इच्छा है कि उनके बेटे का शव उन्हें मिल जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नवीन के पिता शेखर गौड़ा को फोन पर सांत्वना दी। इसको वास्तविक त्रासदी बताते हुए मुख्यमंत्री ने नवीन के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए परिवार को सभी समर्थन का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर विदेश मंत्रालय से बात कर रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद भारतीय वायुसेना के विमान भी इस अभियान में जुट गए हैं। भारत सरकार ने इस अभियान में तेजी लाने के लिए अपने 4 मंत्रियों को भी यूक्रेन के अलग अलग पड़ोसी देशों में भेजा है। प्रदेश के चुनाव रण में 5 चरण बीत चुके हैं। अब बारी 6ठे चरण की है। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसका मंगलवार शाम शोर थम गया। इन 57 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस बार 6ठे चरण की लड़ाई काफी दिलचस्प है। इस बार चुनावी मैदान में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। 18 साल बाद ये पहली बार होगा जब यूपी में कोई मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में सीएम योगी भी जानते हैं कि इस चरण की अहमियत क्या है। इसको लेकर सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में रैली को संबोधित कर विपक्ष पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा। 2017 के पहले की सरकारों पर हमला करते हुए सीएम योगी ने सिर्फ ईद और मुहर्रम पर बिजली देने का आरोप लगाया। क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आती थी, सच बोलना। आज आ रही है। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है? देखो, 2017 के पहले बिजली की भी जाति थी, उसकी भी मजहब था। ईद और मुहर्रम में बिजली रहती थी, होली दीपावली में गायब हो जाती थी। सही बोल रहा हूं मैं? वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 364 से अधिक दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा कोई कर नहीं सकता। नहीं तो पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। हमारे लिए सारी पाबंदी थी और तुष्टिकरण की किस हद तक पार करते हुए पिछली सरकारें काम करती थी। 6ठे चरण को लेकर बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश ने भी ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया और 10 मार्च को बीजेपी की भाप निकालने की बात कह डाली।
इस बार बलिया के लोग अपनी ताकत से और धुआंधार वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का धुआं निकालने का काम करेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि इतना जोश देख करके, इतना उत्साह देख करके, क्या ये जो गर्मी निकालने वाले थे, इस बार इनकी भाप निकालने की बनता भाप। बीजेपी वाले अंग्रेजी सिखा रहे हैं, कभी ए फॉर ये कहते हैं, बी फॉर कुछ और कहते हैं, एन फॉर भी बताते हैं, जेड फॉर भी बताते हैं। हम इन बीजेपी वालों को अंग्रेजी नहीं हिंदी सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर देश से काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। गौरतलब है कि जिन 57 सीटों पर चुनाव होने हैं 2017 में उनमें से 46 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा दो बार बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदल चुके हैं। पिछली बार के चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बार ये चुनाव पूर्वांचल के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी के लिए चुनौतियां कड़ी कर दी है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच जहां ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है, ये छात्र अपनी जान बचाकर अपने घर लौट आए हैं। और इसी कोशिश के बीच मंगलवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आई। यूक्रेन के खार्कीव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्कीव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों को भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की हमारी मांग को दोहराने के लिए बुला रहे हैं। भारतीय अभी भी खार्कीव और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में शहरों में मौजूद हैं। इसी तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा भी की जा रही है। मृतक भारतीय छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के नवीन ज्ञान गौदर के रूप में हुई है। नवीन खार्कीव में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और चौथे साल में थे। नवीन कुछ लाने के लिए दुकान गए थे, इसी दौरान हमले में उनकी मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नवीन ज्ञान गौदर की मौत पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि नवीन युद्ध में मारे जाने वाले पहले भारतीय हैं। मुख्यमंत्री ने नवीन के पिता शेखर गौड़ा को फोन कर सांत्वना दी। इसको वास्तविक त्रासदी बताते हुए मुख्यमंत्री ने नवीन के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए परिवार को सभी समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर विदेश मंत्रालय से बात कर रही है। बता दें कि मंगलवार को ही इस बीच यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस हाल में हैं, उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक एयर इंडिया की फ्लाइट से 1200 से ज्यादा भारतीय नागरिक और छात्र वापस लाए जा चुके हैं, लेकिन अब भी हजारों छात्र यूक्रेन में संघर्ष वाले शहरों और जगहों पर अटके हुए हैं। उनको वापस लाने की कवायद लगातार जारी है। विदेश में तिरंगे की ताकत क्या है, अगर आपको जानना है तो ये युद्ध के बीच यूक्रेन से अपने वतन लौट रहे छात्रों से पूछे। भारत लौटे छात्रों की बातों से ही आपको अपने तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान के बीच भारतीय छात्रों का अपने वतन लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली हवाई अड्डे पर भावनाओं का उफान देखने को मिला, जब यूक्रेन से लौटे अपने बच्चों को देखकर उनके माता पिता की चिंता खुशी में बदल गई और वे अपने बच्चों को सीने से लगाकर भावुक हो उठे।
यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली ये तीसरी निकासी उड़ान थी। यूक्रेन से लौटे अपने बच्चों को पाकर माता पिता ने उनका स्वागत फूलों कार्ड और गर्म जोशी से गले लगाकर किया। इंडियन गवर्नमेंट का थैंक यू और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बच्चों को इतने तनाव वाले एरिया से निकाल के लेकर आए हैं। और आज हमें अपने देश के ऊपर फख्र है कि इंटरनेशनल स्तर पे भी हमारे देश की इतना मतलब और कोई कंट्री निकाल के दिखाए ना जितना हमारे देश के बच्चों को निकाला गया है। देखा आपने अभी तक टीवी में किसी भी कंट्री ने इतने बच्चे निकाले हैं जितने मोदी जी ने निकाले हैं? तो मोदी जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था कि मोदी जी हमारे बच्चों को पूरा निकाल के लाएंगे। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं कहूंगी हमारे लिए तो यही गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और हमेशा यही गवर्नमेंट रहे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से इन लोगों के दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही माहौल भावुक हो गया। इतना ही नहीं, जिस एयर इंडिया की फ्लाइट से ये छात्र भारत लौटे उस फ्लाइट की पायलट और क्रू मेंबर भी इस मौके पर भावुक नजर आए। टू द कंट्री, देश की सेवा, ऐसी चीजों के लिए एयर इंडिया हमेशा साथ में होता है एंड वी एज पायलट कम्युनिटी वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जब हमें बताया गया कि हमें बुडापेस्ट जाना है इन बच्चों के इवैक्यूएशन के लिए, सो द एंटायर क्रू वाज एक्चुअली स्लीपलेस जब हमें बताया गया इमीडिएट कॉल पे कि अभी के अभी आपको एक फ़्लाइट ऑपरेट करनी है और ये इवैक्यूएशन फ़्लाइट के लिए जाना है। सो जितना भी हमारा क्रू था, सब अपना रेस्ट, सब अपनी पर्सनल लाइफ, सब कुछ छोड़ के इस फ्लाइट के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात, थ्रू आउट द वे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ हमें, बट वहाँ पे जाने के बाद जो बच्चे जिनसे हमने स्टोरीज सुनी, अगर आपने भी नोटिस किया होगा कि उन बच्चों की स्टोरीज एक एक हफ्ते तक, दे हैव बीन ट्रैवलिंग एक एक हफ्ते तक, आई मीन इट्स डिफिकल्ट बिकॉज दीज आर जस्ट किड्स। वहीं भारत लौटे छात्रों से जब वहां के हालातों के बारे में बात की गई तो डर साफ तौर पर उनकी आंखों में देखा जा सकता था। हम लोगों की साइड पे तो नॉर्मल है वेस्टर्न बॉर्डर पे, बट जो लोग मीन्स ईस्ट साइड हैं, कीव, खारकीव, इन लोगों की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। एम्बेसी ट्राई कर रही है तो हम लोग भी यही चाहते कि वो जल्द से जल्द बाहर निकल पाए। एंड थैंक टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी जिन्होंने हमें सेफली यहाँ से निकाला। हालांकि दूसरी तरफ दर्जनों ऐसे भी माता पिता हैं जिनके बच्चे अब भी युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। सायरन बजते ही बंकर में छिपने को मजबूर इन भारतीय बच्चों के माता पिता की आंखों से नींद गायब है, भूख प्यास गायब है। हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं, 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ बाहर। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना हर चीज मैनेज कर, बट एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया की एक फ्लाइट से और न्यूज में दिखा रहे हैं कि ये लोग सबको निकल दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? एटलीस्ट आप बात करिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, निकलवाइए एटलीस्ट। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में बिगड़ते हालातों के बीच वहां फंसे भारतीयों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र फौरन कीव को आज ही छोड़ दें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़ कर लोग कीव से आज ही निकल जाए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि इन स्टूडेंट्स की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। इसके तहत अब तक एयर इंडिया की फ्लाइट से 1200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाया जा चुका है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।